हेलो गाइस, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम दो दिन के बाद में अपनी एक सर्विस की वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम सर्विस के बारे में डिटेल में जानेंगे कि सर्विस होता क्या है, सर्विस कैसे हम प्रोवाइड करें कि कस्टमर हमारे हमारे साथ में ऑल टाइम के लिए जुड़े रहें, गुड सर्विस और बैड सर्विस में क्या फर्क होता है। आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि सर्विस होता क्या है और गुड सर्विस और बैड सर्विस में क्या फर्क होता है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं सर्विस होता क्या है। अगर सर्विस को अगर हम डिफिनेशन से समझें तो जनता की आवश्यकता को पूर्ति करने वाली संस्था या व्यवस्था द्वारा दिया गया विशिष्ट काम या उपलब्ध कराई गई कार्य सेवा ही सर्विस कहलाती है, मतलब सेवा कहलाती है। गाइस, सेवा का एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, जैसे जो हमारा एयरपोर्ट होता है वहां पे बहुत सारी अदर कंपनियां, अलग अलग कंपनियां बस सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि फ्री बस सर्विस होता है। बहुत सारी कंपनी, मोटर व्हीकल कंपनी जो होती है वो बाइक की रिपेयरिंग करवाती है और बाकी एसी की सर्विस, फ्रिज की सर्विस, कूलर की सर्विस, बहुत तरह तरह की हम अपने प्रोडक्ट की सर्विस करवाने के लिए हम सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं, जिसमें जो भी एक संस्था होती है वो संस्था हमारे प्रोडक्ट को लेती है और उसमें जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को वो दूर करती है और फिर वो प्रोडक्ट हमको रिटर्न करती है विद बेटर कंडीशन। तो आज के इस वीडियो में हमने सर्विस का जाना, उसके बाद में अब हम आते हैं सर्विस, गुड सर्विस और बैड सर्विस। एक तरह से हम इसको टाइप्स ऑफ सर्विस भी बोल सकते हैं कि अच्छा सर्विस, अच्छे प्रकार की सर्विस और बुरे प्रकार की सर्विस। अब हम आते हैं अच्छे सर्विस में और बुरे सर्विस में अंतर को समझेंगे हम। इस अंतर को समझने के लिए हम तीन पॉइंट को यहां पे लेंगे। उस तीन पॉइंट में हमारा होगा, फर्स्ट नंबर जो पॉइंट होता है वो होता है बिहेवियर। गाइस, कस्टमर हमारे यहाँ पे तभी आते हैं जब हमारा बिहेवियर सही रहेगा, कस्टमर के साथ में हमारा रिलेशन सही हम बना के रखेंगे, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझेंगे और उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बेटर क्वालिटी देंगे, जो कि हमारा दूसरे नंबर पे आता है, मतलब रिपेयर क्वालिटी ऑब्लिक सर्विस क्वालिटी। मतलब कस्टमर की जो नीड है, जो कस्टमर के प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करना है ताकि वो प्रॉब्लम रह ना जाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर हम कस्टमर को देते हैं, उसको बोलते हैं गुड रिपेयर क्वालिटी। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा होता है चीप रेट, मतलब कि मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे थोड़ा सा कम अगर आप रेट पे उनकी सर्विस करते हो और बेटर क्वालिटी के साथ में करते हो तो वो कस्टमर आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो कस्टमर आपके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहेंगे, जिससे कि आपका भी बेनिफिट होगा, कस्टमर का भी बेनिफिट होगा। कस्टमर का बेनिफिट क्या होगा, उनका समय बचेगा, जो वो रिपेयर क्वालिटी में दूसरे जगह पे समय देते हैं, वहां पे एक बार दिया प्रोडक्ट अगर खराब हुआ फिर वो दिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो तीसरी बार दिया, तो ये इससे क्या होता है, कस्टमर का समय नुकसान होता है और कोई भी कस्टमर समय नुकसान अपना नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए हमको अगर हमारी सर्विस को गुड रखना है, मतलब कस्टमर के नजरिए में अच्छा उसको एहसास दिलाना है, तो हमको तीन चीज करना ही पड़ेगा, गुड बिहेवियर, गुड रिपेयर क्वालिटी एंड चीप रेट। अगर ये तीनों चीज अगर आप मेंटेन करके चल रहे हो, मतलब आपकी गुड सर्विस है, अगर इन तीनों चीजों में से कोई भी दो चीज या एक चीज, एक प्रोसेस अगर नहीं कर रहे हो आप, तो वो बैड क्वालिटी या बैड रिपेयर सर्विस या फिर बैड सर्विस में वो काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमको इन्हीं तीन चीजों पे ध्यान देना होता है, उसके बाद में हम बहुत सारी चीजों पे ध्यान देते हैं। मेनली जो होता है वो तीन चीज होता है और इसी तीनों के अराउंड, ऑल अराउंड ये सर्विस पूरा का पूरा घूमता है।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नए वीडियो में, और वो हमारा नया वीडियो क्या होगा उसको भी हम आज एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जो हमारी नई वीडियो होगी वो भी सर्विस सीरीज की ही दूसरी वीडियो होगी, जिसमें हम ये जानेंगे कि सर्विस कैसे करें कि हमारा कस्टमर कभी भी हमको छोड़ के ना जाए और वो हमारे साथ में लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे। उसके लिए 8 पॉइंट होते हैं, उन 8 पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे 1 by 1 करके, जिससे कि हम अपने कस्टमर का पूरी अच्छी तरीके से ख्याल रख पाए, ध्यान रख पाए और उनको ये एहसास दिला पाए कि वी आर द बेस्ट इन दिस मार्केट। तो इस जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी हमारी सर्विस की प्रोसेस के बारे में, हम जानेंगे मतलब कि सर्विस प्रोसेस पे वो वीडियो होगी। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा जो भी सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज की सर्विस प्रोवाइड करा रहा है कस्टमर को, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, बाइक सर्विस हो या फिर एनीथिंग, मतलब जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कराते हो, हर सर्विस की क्वालिटी के लिए वो बहुत ही बेहतरीन होगा और आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।